my channel The Brown Daughter. I am Janvi and today I am up with a new vlog. So ये बहुत special है, जैसे कि आपको title से पता है, क्योंकि today I am going to work with my dream collaboration. Like I was excited and I wanted to work with this particular brand and we'll talk about it later. तो अभी 11 बज रहे हैं, मैं 8 बजे उठी थी and I was studying क्योंकि मेरी exams आ रही है 17 से and आज 10th of February है, आज Monday है and 11 बजे वैसे मेरी college होती है, first lecture होता है, but आज वो नहीं है क्योंकि ma'am is out of town. So yeah, अभी मैं नहाऊंगी एंड देन आई कैच यू ऑल गाइस बिकॉज आई हैव ऑयल इन माई हेयर एंड कल मुझे शैली जी ने बहुत प्यारी चम्पी करके दी थी, सो थैंक यू फॉर दैट एंड नाउ आई टेक शावर एंड देन आई कैच यू बाय. हाय गाइस, आई एम ऑल रेडी एंड look who's with me, Yashvi. So we are going to Starbucks and meri collaboration hai. Basically we have a coffee tasting session. Yashvi, tune pehle kabhi black coffee piya hai? Nahi, maine bhi nahi piya hai. I think wo black coffee pilenge, I'm not sure about it. Dekhte kya hoga. So try karne ko milega. हाँ, ट्राई करने को मिलेगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द वैलेंटाइन कलेक्शन, वैलेंटाइन बेवरेजेस. सो लेट्स गो. Guys, I have reached the Center Square Mall and I'm kind of nervous. I don't know, like मैं पहले गई हूँ, they know me but they don't know me that I'm going to come as a YouTuber and I don't know, let's go. And उसके बाद हमें parlor भी जाना है तो एंड रिच जाएंगे हम शायद. And look at my nail paint, yellow. चलो अभी हम चलते हैं and there we'll catch you all guys. कॉफ़ी अच्छे से ग्रो हो पाती है, तो उसके जो सारज में कॉफीज है वो तीन रीजन से आती है, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. ऐसे 3 फिंगर्स रख के स्मेल करना है, डीप ब्रेथ लेना है, इसलिए हम स्लर्प करते हैं. तो हम स्लर्प करेंगे जैसे मैं कहता हूँ वैसे करेंगे. उसका थर्ड स्टेप है लोकेट, टेक अनदर स्लर्प. सो गाइज, वी ट्राइड द कॉफी. आज हमने इथोपिया टोपिया एंड इट इज द प्लेस इन अफ्रीका और दैट वॉज द ओरिजिन, द बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी. एंड यशवी कैसी लगी? कड़वी. उसको बिटर लगी, इट इज एक्चुअली बिटर बट इट वॉज रियली नाइस, कुछ नया पता चला. हाँ, शी इज नॉट अ कॉफी पर्सन. खुशी स्टारबक्स में इंजॉय किया और हम फिर पार्किंग में गए और हमने चाबी घुमाई, सेल्फ मारा बट वो स्टार्ट ही नहीं हुई एंड मैंने कोई लाइट वगैरह भी चालू नहीं छोड़ी थी, नॉट माय फॉल्ट, कोई तो इशू है. तो अभी हम गैरेज ढूंढ के आए हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम लुकिंग फॉर गैरेज एंड ऐसा सब काम कराने के लिए, तो आई होप अभी स्टार्ट हो जाए. एक तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है यार कार की, आई जस्ट नो हाउ टू ड्राइव. यशवी को बहुत है, मुझे उतना भी नहीं आता.
But I feel bad. I miss Gopali Didi. But it's okay. वही सारे काम कराती थी तो अभी मैं कराऊंगी. हमने बुलाया है, देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं. I'll give you all guys update. Bye. हमारी गाड़ी जुगाड़ में ठीक हुई है. जो बैटरी को दो चीज कनेक्ट करती है वो पूरी एक निकल चुकी है और अभी वो जुगाड़ में ठीक कर दी. अभी हम जाएंगे दूसरे गैराज और ठीक करवाएंगे, तो हम आपको बाद में मिलते हैं. बाय. हाय गाइस, सो आई जस्ट ड्रॉप्ड यशवी और मैं कॉलेज आई हुई हूँ और मुझे अभी गैरेज का काम करवाना है क्योंकि वो टेम्पररी हुआ है. तो लेट्स सी व्हाट वी विल डू. और मेरी एग्जाम्स भी आ रही हैं, मुझे पढ़ना भी है. So I'm quite tense, but let's see. Hi guys, so मैं कॉलेज से यशवी को छोड़ के वापस आई थी गैरेज पे, बट वो भैया नहीं है. उन्होंने कहा वो एक डेढ़ घंटे बाद आएंगे. तो मैं आई हुई हूँ बिग बाजार टू शॉप, देखते क्या क्या लेते हैं. एंड आई नीड फ्यू थिंग्स क्योंकि एग्जाम्स आ रही है, रात में पढ़ने के लिए ऐसे कुछ मंच ऑन करने के लिए चाहिए. सो आई एम हियर, सो लेट्स डू शॉपिंग एंड देन आई हैव टू गो टू गैराज. सो लेट्स डू दैट. शॉपिंग बहुत मजा आई, मुझे अकेले शॉपिंग करने में बहुत मजा आती है. इट इज काइंड ऑफ अ थेरेपी सेशन फॉर मी. और जहाँ पे मुझे मेरी गाड़ी ठीक करवानी थी वो बाहर गए हुए हैं एंड अब देखते हैं अगर वो आया नहीं. और मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है तो घर भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है. सो लेट्स गो गाइज, आई विल कैच यू ऑल गाइज देयर. बाय. Hi guys, good morning. It is the next day and I did not vlog last night क्योंकि मेरी गाड़ी और दो तीन बार ख़राब हो गई थी and I was kind of pissed. मैंने कॉलेज के पास ही वो भैया को बुला लिया था गाड़ी ठीक करवाने के लिए and I was really tired, so I crashed on bed. and आज next day है, अभी 11 बजने वाले हैं. सॉरी 11 बजे मेरा लेक्चर, अभी 10 बज रहे हैं. मैं 8:30 बजे उठी थी and I was studying because exams are approaching and parents बहुत सारी आवाज़ें कर रहे हैं. तो अभी मैं तैयार होंगी. आज मेरे कॉलेज में ट्रेडिशनल डे है, 11 बजे का लेक्चर है एंड आई एम गोइंग टू वेयर सूट. एक्चुअली साड़ी पहनी है, पर आई एम लाइक आई विल वेयर सूट क्योंकि मम्मा नहीं है, मुझे पहनाएगा कौन. एंड साड़ी में बहुत तीन झाम होता है विच आई एम नॉट रेडी टू डू. सो लेट्स सी मैं क्या पहनने वाली हूँ एंड लेट्स गो टू कॉलेज. लुक लाइक आई नो आप मुझे पूरा नहीं देख पा रहे हो. एक्चुअली 11:06 हो गए, 11:10 का मेरा लेक्चर है. तो अभी मैं ऐसी लग रही हूँ. आई एम वेयरिंग दिस कुर्ती फ्रॉम मलंग आई गेस, आई एम नॉट श्योर, आई विल राइट इट हियर. एंड आई एम वेयरिंग अ प्लाजो, वाइट प्लाजो एंड दैट इज फ्रॉम एग्जीबिशन जो सूरत में लगता है प्राइम मार्केट पे. एंड या ये झुमकी मैंने यही लोकल स्टोर से ली थी और अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट. सो लेट्स गो. गाइस मैं अकेली नहीं हूँ जिसका लेक्चर कैंसिल हो गया. मैं भी हूँ. इसका सोशियोलॉजी था वो भी कैंसिल हो गया और अब हम बैठ के गप्पे मार रहे हैं टाइम पास और करने का.
तेरी लाइफ ही टाइम पास है। क्या कर सकते हैं, तेरे जैसी दोस्त हो तो लाइफ टाइम पास ही होगी। हाय राम लल्लाया। मेरा लेक्चर नहीं था, यशवी का था। कमल, मैं अभी भी लेक्चर से आ रहा हूँ। झूठ बोल रहा है ये। आज लेक्चर नहीं था, हम कब से बैठे हुए। और मैं बोल रही हूँ फोटोज खींचने चलो, बट कोई चल ही नहीं रहा। भूख लगी है। हम लोग ट्रेडिशनल है और हम लोग ये पहन के आए आज। तो हम तो कुर्ती पहन के, हमारी फोटो खींच दो। कुर्ती पहने, कुर्ती पहने, तुम्हारी कुर्ती पहने। यशवी लेट्स गो एंड हैव समथिंग। चल ये लोग खाएंगे। हाँ चल 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 चल। Hi guys, so I'm back home and yeah, this is my full outfit. मैंने full outfit नहीं दिखाया। ये कुर्ती थोड़ी सी ढीली है, but I like it. And then plazo. So yeah, that's how I was looking for the whole day. And now I'm going to change and I'm going to have dinner because I'm hungry. So yeah, and then I have to study. So let's do that. Hi guys, I had yummy yummy dinner which was pav bhaji and I love pav bhaji. And ab main banane ja rahi hu chai because after dinner I feel like having chai. I don't know why, so I'm going to make 2 cup. Ek didi ke liye, ek mere liye. So let's make it. I have my chai with me and I have my books in front of me क्योंकि पढ़ना है मुझे। Now I don't have any excuse जो मैं अपने आप को दूँ और कहूँ कि ठीक है इसके लिए नहीं पढ़ते, पहले ये कर लेते, पहले चाय पी लेते। तो let's do it guys।